न वी बीन हियरिंग अट अबाउट पिछले uh, पिछले कुछ महीनों में असम्बली इलेक्शन हुए थे एंड वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन जो हैं इस्पेली काफ़ी ज़्यादा जो है पोलिटिसज थे काफ़ी ज़्यादा खबर में रहे थे ड्यू टू द इशू ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग ड्यूरिंग अ वेरी लीथल सेकेंड वेव ऑफ़ करोना वायरस पैंडमिक राइट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक तरह से बुलिंग इन फाइटिंग इशूज़ जो कि दोनों ही बीजेपी एंड टी एम सी के बीच में हो रहे थे अब यहीं पर जो है एक मेजर इशू उभर के आता है विध रिस्पेक्ट टू द नंदी ग्राम के अंदर जो कि इलेक्शंस हुए ठीक है एंड वहीं से जो है ये मेजर एक जो टॉपिक है ऑफ चैलेंज टू इलेक्शन रिजल्ट निकल के आता है अब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी जो हैं, उन्होंने फाइल की थी एक इलेक्शन कमीशन विद द कैलकाटा हाई कोर्ट जहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया है द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट ऑफ द नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर उन्होंने कंटेस्ट किया था एंड शी लॉस टू अ फॉर्मर एड वू टू बीजेपी सुवेंदु अधिकारी उनसे वो हार गई ना दिस वॉज अ वेरी वेरी टाइट कॉन्टेस्ट जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स पे जो है कॉन्सेंटली ये इशू हो रहा था कि कौन जीता है हु इज़ इन द लीड रेट कई बार तो कई चैनल बोल दिया था कि ममता बनर्जी जीत गई हैं हाउवर इवेंचुअली दिखाया गया कि सुभेंदु अधिकारी को वो लूज कर गई नाउ बैनर्जी हैज़ चैलेंज दिस इलेक्शन राइट एज वेल एज शी हैज़ पुट एक्शन ऑफ करप्शन एंड मैल प्रैक्टिस अगेंस्ट सुवेंदु अधिकारी

अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल की तो वंस द इलेक्शन हैव बीन डिक्लेयर जो उनका रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो गया है बाई द ई सी आई दैट इज ऑल द वोट्स हैव बीन काउंटेड ठीक है और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है दैट इज़ वे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोल इट्स राइट नाउ द फाइनल रिजल्ट शीट दैट इज योर फॉर्म ट्वेंटी वंस दैट हैज़ बीन साइंड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द ई सी आई ई सी आई इज आउट ऑफ द पिक्चर तो अगर हम इलेक्शन पिटीशन की बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल टू प्ले दैट नाउ आफ्टर द रिजल्ट एक इलेक्शन पिटीशन जो है इज द ओनली लीगल रेमेडी जो कि अवेलेबल बचती है टू ईदर अ वोटर दैट इज एनी पर्सन हुईट हु या फिर एक कैंडिडेट जिसने कंटेस्ट किया है जिनको लगता है दैर इज बीन अ मैल प्रैक्टिस इन द इलेक्शन सो वेरी इंपॉर्टेंटली एक वोटर भी फाइल कर सकता है इलेक्शन पिटिशन जिनको लगता है मैल प्रैक्टिस हुई है या फिर एक जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो भी फाइल कर सकते हैं इलेक्शन पिटिशन को ठीक है तो कोई भी ऐसा पर्सन चाहे वो वोटर हो चाहे वो कैंडिडेट हो चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को वाया एंड इलेक्शन पिटिशन विच इज सब हूम वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज सबमिटेड कोर्ट ऑफ दैट स्टेट जहाँ पे कॉन्स्टिट्य लोकेटेड सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल की कॉन्स्टिटुएंसी थी वेस्ट बंगाल द कैलकटा हाई कोर्ट एंड इज वाई द इलेक्शन पिटिशन वॉज फाइल्ड सिमिलरली अगर महाराष्ट्र के इलेक्शंस के अगेंस्ट जो है अगर महाराष्ट्र में कोई कॉन्स्टिटुएंसी लोकेटेड है right? उसके अगेंस्ट जो है आपने कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी है दैट विल बी डन इन द बॉम्बे हाई कोर्ट एट सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कोई भी इलेक्शन पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं बल्कि कहाँ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न जहाँ पे कॉन्स्टिटुंसी लोकेटेड है वहीं पे फाइल की जा सकती है right, तो ये इलेक्शन जो है एक लोकसभा की कॉन्स्टिटुएंसी पर भी हो सकता है राइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें से लोकसभा की uh, से कॉन्स्टिटुएंसी से वाराणसी की राइट सो बिकॉज लोकसभा का चाहे वो हो रहा है बट दैट कॉन्स्टिटुएंसी कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में अलाहाबाद कोर्ट जो है उनके सामने फाइल की जाएगी चाहे वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्युएंसी में इलेक्शन जो है लोकसभा की सीट के लिए भी हो रहा हो राइट सो रिगार्डलेस ऑफ चाहे वो इलेक्शन जो है असेंबली सीट के लिए है चाहे वो लोकसभा सीट के लिए है पिटिशन कहाँ फाइल की जाएगी हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट जो है वहीं पे फाइल की जाएगी सा पिटिशन वेरी इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर टाइम लिमिट भी है नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप यू you नो know, एक साल पहले या दो साल पहले या पाँच साल पहले की जो इलेक्शन है उसके ऊपर आप इलेक्शन पिटिशन फाइल कर दीजिए नहीं साचा पिटिशन हैज टू बी नेसेसरली फाइल्ड विद इन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पोल रिजल्ट तो जिस दिन रिजल्ट आ गए उससे फोर्टी फाइव डेज के बीच में जो है ये इलेक्शन पिटीशन फाइल हो जानी चाहिए इफ दैट टाइम पीरियड लैप Then such a petition will not be entertained by the High Court. Very importantly, ek, after the petition has been filed, the Representative of People India Act hai of 1951, who suggests that the concerned High Court should try to conclude the trial within. सिक्स मंथ्स कि छः महीनों के बीच में जो है ये ट्रायल को ख़त्म कर देना चाहिए हाउ इवन दो सिक्स मंथ्स की टाइम लिमिट रखी गई है ये यूजुअली ड्रैग ऑन होता है फॉर मच लॉन्गर राइट नाउ वी नो दी सिक्स मंथ्स कैन बी वेरी क्रूशल फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। इवन दो जो है वो इलेक्टेड नहीं है टू दी असेंबली ठीक है ना वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहती है कि कोई भी इंसान जो है वो एक कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है साथ में वो सी या पी भी बन सकता है इवन दो वो इलेक्शन नहीं जीते हैं बट विद इन सिक्स मंथसिक्स मंथ्स की टाइम लिमिट रखी गई है सिक्स मंथ्स में उन्हें एम या एम जो है बनना ही पड़ेगा ठीक है आई वन ऑफ द टू बनना ही पड़ेगा वेरी इंपॉर्टेंटली एम क्योंकि वेस्ट बेंगाल में अभी तक सिर्फ एक असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो ममता बनर्जी विल आईधर हैव टू बी इलेक्टेड या फिर जैसे वेस्ट बंगाल ने एक पिटिशन डाली है उन्होंने जो है डाला है रेजोल्यूशन पास किया है राइट देव पास द रेजोल्यूशन दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट अजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो राइट तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अपा हाउस बन जाता है तो विद इन सिक्स देन ममता बैनर्जी हैज Be a part of that legislative council. तो चाहे आप लेजि असेंबली का पार्ट हो या फिर अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है आप उसका पार्ट हो सकते हैं अगर आपको सी एम बनना है ठाकरे right? महाराष्ट्र के सी एम ठीक है तो इसीलिए जो है ये भी एक uh, किया गया है अटैम्प्ट हाईकोर्ट पे कि आप ट्राई कीजिए कि ट्रायल को जो है विद इन सिक्स मंथ्स जो है कंक्लूड कर दीजिए हो ऐसा कम ही होता है बिकॉज ये बहुत ही प्रोलॉन्ग केसेस जो हैं चलते हैं अब कौन से ग्राउंड्स पे जो है सच एन इलेक्शन पिटिशन कैन बी फाइल्ड नाउ अंडर सेक्शन 100 ऑफ द आर पी एक्ट एन इलेक्शन एन इलेक्शन पिटिशन कैन बी फाइल्ड ऑन न्यूमरस ग्राउंड्स व्हाट आर दीज ग्राउंड्स दीज ग्राउंड्स इंक्लूड दैट ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट वॉज नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट तो एनी ऑफ द क्वालिफिकेशन वेदर इट इज विद रिगार्ड टू बिकमिंग एन एम और विद रिगार्ड टू बिकमिंग इन ये उनको फुलफिल नहीं करते थे राइट तो अब ये जो है एज क्वालिफिकेशन हो सकती है ये कोई भी और क्वालिफिकेशन जो है हो सकती है जिनको ये फुलफिल नहीं करते थे सेकेंडली जो विनिंग कैंडिडेट है उनके पोल एजेंट या किसी भी और पर्सन ने विद द कंसेंट ऑफ द विनिंग कैंडिडेट उन्होंने इंडल्ज किया है इन एनी करप्ट प्रैक्टिस नाउ करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है सेक्शन 123 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट का वो एक डिटेल लिस्ट प्रोवाइड करता है ऑन व्हाट अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिस नाउ दिस इंक्लूड्स इश्यूज लाइक ब्राइबरी यूज या फोर्स या कोवर्जन अपील टू वोट या फिर रिफ्रेन करना फ्रॉम वोटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कम्युनिटी एंड लैंग्वेज इन सबको जो है प्रैक्टिस का पार्ट माना जा सकता है अनादर इशू जिसके तहत जो है ऐसी पिटिशन फाइल की जा सकती है इज द इम प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द विनिंग कैंडिडेट या फिर इम प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ अ नॉमिनेशन ठीक है कि अब नॉमिनेट भी करना होता है जब कैंडिडेट्स जो है अपना फाइल करते हैं कि हाँ जी में कोई इलेक्शन लड़ने हैं उनके साथ उनके साथ जो है नौ, उनको नॉमिनेट भी किया जाता है ठीक है तो अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो या फिर उनके एक्सेप्टेंस में या उस या उस नॉमिनेशन के रिजेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो जो है अगेन एक इलेक्शन पिटिशन फाइल की जा सकती है देन द इलेक्शन पिटीशन कैन ऑल्सो बी फाइल अगर किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस रही है इन द काउंटिंग प्रोसेस लेट्स काउंटिंग ऑफ वोट्स जो हैं तो चाहे पहले वो बैलेट्स होते थे या अब जो है ई वी एम्स हैं राइट अगर ऐसा लगता है कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर ई की ट्रांसपोर्टेशन उनकी रिसेप्शन में कोई गड़बड़ हुई है या देर इज बीन रिफ्यूजल और रिजेक्शन ऑफ एनी वोट जो कि सही था बट उसको गलत माना गया या फिर रिसेप्शन ऑफ एनी वोट जो कि वॉइड था पर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो भी मैल प्रैक्टिस के नाम पर जो है इलेक्शन पिटिशन फाइल की जा सकती है

ना दिस ऑल डिपेंड्स की जो आउटकम है वर्ड का इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट हैज़ बीन डिमांडेड इन द पिटिशन कि पटिशन क्या बोल रही है कि आप विनर जो है अब मुझे आप विनर डिक्लेयर कर दीजिए कि पिटिशन मांग रही है कि सिर्फ जो विनिंग कैंडिडेट है उसको आप हटा दीजिए या फिर पटिशन कह रही है कि आप इलेक्शन रद्द करा दीजिए दोबारा इलेक्शन कराए सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट हैज़ बीन डिमांडेड इन द पिटिशन ना अंडर सेक्शन एटी फोर ऑफ द आर पी एक्ट जो पिटिशनर है वो कह सकते हैं द ऑफ ऑल और ऑफ द विनिंग कैंडिडेट उसको आप वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए इन एडिशन टू दैट दिटिशनर में ऑल्सो एक्ट आज द कोर्ट टू डिक्लेयर हर राइट जैसे कि अगर ममता बनर्जी है राइट या फिर कोई भी और कैंडिडेट एज द विनर और ड्यूली इलेक्टेड ठीक है कि अगर उनको लगता है कि जो विनिंग कैंडिडेट था

प्रैक्टिस में इंडल्ज करता हुआ देखा जा सकता है एंड अगर यही डिमांड किया गया है इन द पिटिशन ना आर देर एनी एग्जाम्पल्स तो येस वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स दैट एग्जिस्ट इज द राज नारायण केस जिसके कारण जो है आपकी एमरजेंसी भी आई थी नाइनटीन सेवेंटी सिक्स अंडर इंदिरा गांधी एंड इस दौरान जो है अलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट आया था नाइनटीन सेवेंटी फाइव विच हेट बेसिकली सेट असाइड इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था फ्रॉम रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी

उन्होंने हेल्प की थी इन मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हर इलेक्शन टूर फ्रॉम फेब्ररी फर्स्ट टू फेबरी ट्वेंटी फिफ्थ नाइनटीन सेवेंटी फाइव जो कि एक खराब प्रैक्टिस माना जाता है अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन वन टू थ्री क्लॉज सेवन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ नाइनटीन ठीक है तो आप बेसिकली अगर आप एक गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं अब गवर्नमेंट मशीनरी को किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते अपने अपने कैंपेनिंग के अंदर अपने इलेक्शन लड़ने के अंदर राइट विच इज़ वॉट इट वॉज